जबलपुर में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी ने दीनदयाल चौक पर पंडित दीनदयाल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राकेश सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि वो एकात्म भारत की कल्पना करने वाले महान विचारक थे। 1965 के युद्ध के दौरान जब भारत को हथियारों की आवश्यकता पड़ी थी, तब उन्होंने कहा था कि भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहिए और स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण उनका यह सपना साकार होता दिख रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का पवित्र अवसर है। एक ऐसा महान व्यक्तित्व जो केवल किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी या कार्यकर्ता या विचारक भर नहीं थे, बल्कि देश की संस्कृति के वास्तविक राजदूत थे। उन्होंने एकात्म मानववाद जैसा दर्शन इस देश को दिया। आज जयंती के अवसर पर हम सब ने उन्हें स्मरण किया है और उनके विचार घर घर तक पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का प्रयास है। ऐसे कर्मवीर राष्ट्रवाद व्यक्तित्व का जयंती पर्व मना रहे हैं, जिन्होंने अपने कर्मठता से, अपनी ईमानदारी से देश की सार्वभौमिकता के लिए बलिदान दिया है। उनका योगदान ये पूरा देश, हमारा देश, भारत देश उनका स्तुतिगान करता रहेगा। जो उनका सदमार्ग है उस पर हम सब पे चल करके राष्ट्रवाद, मानववाद की सेवा करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का पवित्र अवसर है। एक ऐसा महान